हेलो एवरीवन, माय सेल्फ मीनू एंड वेलकम टू लर्न स्पार्क। तो हम बात कर रहे थे डीएनए रिपेयर की कि डीएनए अगर डैमेज हो जाए तो उसे रिपेयर कैसे करते हैं। तो आज हम बात करेंगे डीएनए रिपेयर में मिसमैच रिपेयर की। हमने डीएनए रिपेयर शुरू किया था एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डीएनए रिपेयर। और हमने किस किस के बारे में बात कर ली थी, एक तो हमने बेस पेयर जो बेस एक्सिजन रिपेयर है, और न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर में बात की थी हमने। ठीक है, ये बेस रिपेयर्स का उनके बारे में बात कर चुके थे। और एक डायरेक्ट रिपेयर की, जो डायरेक्ट डीएनए रिपेयर था। आज हम बात करेंगे मिसमैच रिपेयर की। मिसमैच रिपेयर, इसी नेम से हमें क्या पता चल रहा है कि कुछ मिसमैच हुआ है, मतलब डीएनए में कुछ मिसमैच हुआ है, मतलब कोई बेस पेयर वहां पे खराब आया। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो उसमें क्या होगा, ये रिकॉग्नाइज करेगा। पहले तो रिकॉग्नाइज ही करना पड़ेगा कि कौन सा बेस पेयर है जो खराब हुआ है, पहले रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, फिर जब वो रिकॉग्नाइज हो गया, वो साइट रिकॉग्नाइज कर ली हमने कि यहाँ पे जो डीएनए है बेसिकली डैमेज है, अगर उसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, फिर हम देखेंगे कि पर्टिकुलरली कौन सा बेस है जो क्या है डैमेज है, फिर बेस पे जाएंगे, फिर क्या करेंगे उस बेस को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और रिमूव करने के बाद उसको जो डीएनए को सिंथेसाइज करेंगे। तो ये स्टेप्स हम करते हैं जो रिपेयर सिस्टम में है। तो सबसे पहले जो हम बात करें मिसमैच रिपेयर में, इसमें आता क्या है, इसमें हमारे पास पता कैसे चलेगा कि कौन सा जो डीएनए बेसिकली डैमेज है। हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास पेरेंट डीएनए, पेरेंट डीएनए से हमारे पास क्या बनते हैं, दो डॉटर डीएनए। ठीक है, ये बनते हैं हमारे। अब हमें डिफरेंशिएट कैसे पता चलेगा, हम अगर हमें रिकॉग्नाइज करना है तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा पेरेंट है कौन सा डॉटर डीएनए है, इसको कैसे चीज को देखेंगे। इसमें एक चीज है जो क्या होती है, इकोलाई में, इकोलाई में जो पेरेंट डीएनए होता है वो क्या होता है, मिथाइलेटेड होता है। पेरेंट डीएनए क्या है, मिथाइलेटेड होता है। और जो डॉटर डीएनए बनते हैं वो क्या होते हैं, इमीडिएटली मिथाइलेटेड नहीं होते, उनको कुछ टाइम लगता है मिथाइलेशन होने में। तो वो उससे क्या हमें डिफरेंशिएट कर पाते हैं कि पेरेंट डीएनए कौन सा है और जो हमारे डॉटर डीएनए वो कौन से हैं। अब हम बात करते हैं कि मिथाइलेशन यहाँ पे कौन करता है, तो यहाँ पे मिथाइलेशन कर रहे हैं डी ए एम, ठीक है, और एक काम करते हैं डी सी एम। ठीक है, ए एम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डी ए एम मतलब एडेनिन, यहाँ पे मिथाइलेशन किसकी हो रही है, एडेनिन की, और यहाँ पे किसकी हो रही है, साइटोसिन की मिथाइलेशन हो रही है। अब इसका फुल नेम क्या है, डी ए एम एंड डी सी, इसका नेम है डीएनए एडेनिन मिथाइलेस, और इसका नेम है डीएनए साइटोसिन मिथाइलेस। ठीक है, तो ये हो गए यहाँ पे दो मिथाइलेस। अब ये कहाँ पे काम करते हैं, जो डीएनए डी ए एम है ये काम कर रहे हैं बेसिकली जहां पे 5' एंड होता है डीएनए में, हमें पता है ना 2 स्ट्रैंड होते हैं, 5' से 3' एंड यहाँ पे 5' से 3'। तो ये 5' से स्टार्ट होता है जहां पे सीक्वेंस हो जी ए टी सी। ठीक है, उस सीक्वेंस पे क्या है, एडेनिन है जो मिथाइलेट करता है उसे। ओके, ये जो डीएनए एडेनिन मिथाइलेस, और जो साइटोसिन वाला है ये चीज किसको मिथाइलेट करती है, 5' एंड पे ही करती है, और इसकी सीक्वेंस इससे थोड़ी अलग है, कौन सी है, सी सी ए जी जी, या फिर हमारे पास दूसरी सीक्वेंस है सी सी टी जी जी। ओके, इसको मिथाइलेट करती है इस तरह से। तो ये तो काम हुआ हमें डिफरेंशिएट करने का कि पेरेंट डीएनए कौन सा है और डॉटर डीएनए कौन सा है। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास मिसमैच आ गया, ठीक है, हमारे पास क्या है, ये डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स है, ये हमने बना लिए 2 स्ट्रैंड्स हमारे पास डीएनए के। अब हमें पता चल गया यहाँ पे टी था, बट यहाँ पे ए आना चाहिए था एडेनिन, थाइमिन के साथ बेस पेयर करने के लिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, साइटोसिन, तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, मतलब कि यहाँ पे मिसमैच रिपेयर आ चुका। तो इसको ठीक करने के लिए इकोलाई में क्या बढ़ता जाता है, क्या मतलब यूज हो रहा है हमारे पास, म्यूट प्रोटीन्स, इनको कहते हैं हम म्यूट प्रोटीन्स। ठीक है, ये 3 टाइप के प्रोटीन्स हैं, कौन कौन से हैं हमारे पास, म्यूट एच, म्यूट एल और म्यूट एस।
तो ये तीन प्रोटीन यहाँ पे काम करते हैं, इसे देखेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, फिर उसको डीएनए को ब्रेक करेंगे, फिर उसकी जो सिंथेसिस होगी। तो देखते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहले हमारे पास जो काम करेंगे यहाँ पे वो है म्यूट एच एंड म्यूट एस। म्यूट एल का फंक्शन है जो हमें वो नॉन नहीं है अभी तक। म्यूट एच एंड एस कैसे फंक्शन करते हैं? म्यूट एच क्या है, उस पूरे बेस पेयर की सीक्वेंस को देखेगा, और म्यूट एस है जहां पे वो डैमेज डीएनए हमारे पास प्रेजेंट है वहां पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। ये ऑलरेडी हमें पता है कि 5-3-3-5 है डीएनए के बेस पेयर। अब म्यूट एस क्या है, यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा जहां पे क्या है हमारा बेस पेयर है जो बेसिकली डैमेज है जो हमने इस तरह से बनाया। अब क्या है म्यूट एच क्या है, उसी जगह हम कह सकते हैं जाके बाइंड हो जाएगा सीक्वेंस पे, ठीक है। अब म्यूट एच यहाँ पे क्या करेगा, और एस ये क्लीविज करेगा इस साइड की। म्यूट एच क्या करेगा, यहां से क्लीव कर देगा इसको, मतलब ब्रेकेज कर देगा, ठीक है। अब यहां से इसकी ब्रेकेज हो जाएगी। अब ब्रेकेज स्टार्ट तो यहां से होगी जहां पे क्या हुआ म्यूट एच लगा हुआ है, वहां से उसकी ब्रेकेज स्टार्ट करे होगी। अब यहाँ पे और कौन काम करेगा, एक सेकंड, तो हमें पता चलेगा कि इसकी ब्रेकेज यहां से स्टार्ट होगी जहां पे क्या है म्यूट एच बाइंड हुआ है। अब आगे काम कौन करेगा इस पे, ऊपर एंजाइम यहाँ पे काम करेगा हेलिकेज टू। हेलिकेज टू क्या है, उसको ओपन करेगा, मतलब जो हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड है उसको ओपन करने में हेल्प करेगा यहाँ से, और उसकी ब्रेकेज करने में एक्सोन्यूक्लियस। तो ये क्या करेंगे एक्सोन्यूक्लियस वाले की ब्रेकेज करेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रैंड था वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास इनिशियली स्ट्रैंड था, यहाँ से लेके जहां तक एस था उस जगह तक ब्रेकेज हो जाएगी। तो मतलब यहाँ से हमारा स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा और कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। अब इस पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, अब यहाँ पे क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज यहाँ पे एक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, जो हमारा डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसकी मिसमैच जो रिपेयर हुई थी उसको ठीक कर दिया है, और क्या करेंगे डीएनए को हमारे सिंथेसाइज कर देंगे, ठीक है। तो ये तो थी पहली हमने जो आज बात की मिसमैच रिपेयर के बारे में। अब हम एक और रिपेयर का मेथड देखते हैं, जब क्या है हमारे पास जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक हो, मतलब यहाँ पे तो सिंगल एक स्टैंड में ब्रेकेज हो रही थी, वहां पे क्या होता है जो ब्रेकेज होती है वो दोनों स्टैंड में होती है। अब उसकी बात देखते हैं, तो अब हम बात करेंगे रिपेयर ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक। मतलब यहाँ पे क्या हो, हमारे पास कुछ ऐसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया हुआ है और दोनों में क्या है मतलब ब्रेक है वहां पे, मतलब वहां से टूटा हुआ है, उस डीएनए को हम कैसे रिपेयर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें काम करती हैं, एक तो है हमारे पास नॉन होमोलोगस एंजाइमिंग, और एक है हमारे पास होमोलोगस एंजाइमिंग, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीजें काम करेंगी। तो अब देखते हैं कि नॉन होमोलोगस एंजाइमिंग कहाँ पे काम करता है और जो होमोलोगस है वो कहाँ पे काम करता है। अब हमें पता है कि हमारे सेल साइकिल है हमारे पास, ठीक है, जहां पे क्या है हम मोस्टली बात करते हैं कि सेल्स जो डिवाइड हो रहे हैं बेसिकली इस तरह से कह रहे होते हैं, ठीक है। अब उसमें कितने फेजेस होते हैं, बेसिकली चार फेजेस होते हैं। कौन कौन से, एक तो हमारा जीनोड फेज होता है, फिर जी फेज, एस फेज, जी टू फेज, एम फेज, ये होते हैं सेल साइकिल में फेज, ठीक है। अब जो नॉन होमोलोगस है वो क्या है, सारे साइकिल में कभी भी डीएनए का अगर ब्रेक हो डबल स्टैंडर्ड तो वहां पे काम करता है, बट जनरली का ज्यादातर कहाँ काम करता है, जी नॉट और जी वन में, ठीक है। और जो हमारा ये वाला होमोलोगस वाला स्टैंड है वो कहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारा एस फेज जी टू फेज के टाइम, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो नॉन होमोलोगस एंजाइमिंग है उसके बारे में। तो हमारे पास क्या है, एक डीएनए डबल स्टैंड ब्रेक दिया हुआ है, हमें इसकी रिपेयर करनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोटीन अटैच होता है जिसका नाम है KU प्रोटीन। KU कौन कौन से प्रोटीन है, 70 एंड 80। पहले ये बाइंड होते हैं जहां से क्या है जो डीएनए ब्रेक हुआ हुआ है उसको एक तरह से रिकॉग्नाइज करते हैं और उसके ऊपर जाके क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि डीएनए ब्रेक कहाँ पे है, ओके। फिर उसके बाद क्या है, एक डीएनए डिपेंडेंट
डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है वो यहाँ पे आके एक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोटीन काइनेज यहाँ पे आके एक्ट करते हैं इसके ऊपर। ओके, और साथ में कौन एक्ट करेगा यहाँ पे, एक्स आर सी सी फोर। ओके, और यहाँ पे कौन कौन से एंजाइम हमारे पास काम कर रहे हैं, डीएनए लाइगेज। पहले हम इनका फंक्शन देख लेते हैं जो ऊपर लिखे हैं। डीएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज का मतलब क्या है, ये इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। और जो आर्टेमिस है एक और यहाँ पे काम करेगा, ये दोनों मिलकर क्या, आर्टेमिस क्या करेगा बेसिकली इस डीएनए को क्या करेगा, ट्रिम कर देगा। उसने क्या करना है, इसको रिकॉग्नाइज कर लेना है यहाँ पे कि यू प्रोटीन प्रेजेंट है, और उसको क्या करना है रिकॉग्नाइज करके और जो डीएनए के स्ट्रैंड है उसको बेसिकली ट्रिम कर देना है। अगर ये स्ट्रैंड हमारे पास ट्रिम हो गए तो मतलब हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बच जाएगी, जब क्या हुआ आर्टेमिस ने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद, हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक्स आर सी सी फोर एंड डीएनए लाइगेज। अब ये जब इस तरह से पहुंच गया तो डीएनए लाइगेज क्या है, इस डबल स्टैंड को क्या कर देगा, जो लाइगेज मतलब कंप्लीट सिंथेसिस उसकी कर देगा, और हमारे पास जो डीएनए ब्रेक है वो रिमूव हो जाएगा और हमारा डीएनए है जो रिपेयर हो जाएगा। और मोस्टली यहाँ पे जो डीएनए लाइगेज है वो फोर काम करता है, किसके साथ मिलकर लाइगेज में हेल्प कर रहे हैं, जो ये वाला है एक्स आर सी सी फोर, इसकी हेल्प से। तो ये तो होगी हमारे पास जो एन एच ई जे था। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो होमोलोगस एंजाइम है मतलब इसकी बात करें, इसमें भी बेसिकली वैसे ही रिपेयर होगी, बट इसमें कौन से प्रोटीन यहाँ पे काम करेंगे, जो क्या है रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ज्यादा इसके बारे में भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा लेक्चर डीएनए रिपेयर के ऊपर। तो मैं होप करती हूँ कि आज के लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद एक पहला आइकन आएगा उसे जरूर दबाएं, उससे क्या होगा इस चैनल की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाया करेगी। और हमारा एक फेसबुक पेज भी है जिसे आप जाके, हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमेशा दिया जाता है, आप वहां पे जाके मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं।